दोस्तों, हम देखते हैं कि लोग वीडियो बनाते हैं और कई लोग तो ऐसी वीडियो बनाते हैं कि जब तक वो किसी का वीडियो या सॉन्ग नहीं लेंगे या किसी की वीडियो क्लिप ही थोड़ा बहुत लेके उसमें मिक्स नहीं करेंगे अपने में, तब तक उनका वीडियो पूरा ही नहीं होता। और आपको बता दूं कि अगर ऐसा कोई वीडियो लेता है तो उस पर हर वीडियो पर क्लेम आता है। आप भले ही 5 मिनट की वीडियो बना दो, लेकिन अगर आपने उसमें 4 सेकंड या 10 सेकंड का भी दूसरे का वीडियो क्लिप या फिर वॉइस या फिर हिंदी फिल्म का कोई गाना ही ले लिया तो आपको क्लेम देखने को मिल जाता है। कई लोग तो कॉमेडी बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा गाना मुखड़े का यूज़ कर लेते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे लोगों पर कॉपीराइट आता है या नहीं। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जी हाँ, अगर आप अपनी वीडियो में या कोई भी अपनी वीडियो में अगर 10 सेकंड का भी कोई गाना या किसी का वीडियो क्लिप लेता है तो उस पर क्लेम जरूर आता है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, एक मेरा चैनल और है, और मैंने वहाँ पर सिर्फ 5 सेकंड का एक गाने का मुखड़ा यूज़ किया और उस पर देखा कॉपीराइट क्लेम आ गया। मतलब जो YouTube की मशीन जांची और तुरंत बता दिया, अब कहाँ से कहाँ तक है ये भी बता दिया। और कैसे आप पता कर सकते हैं अगर आप में कभी ऐसा क्लेम आया होगा, तो आप जो है कि जहाँ क्लेम है उस पर क्लिक करेंगे, आप YT स्टूडियो जो खोलेंगे जहाँ पे लिखा रहेगा कॉपीराइट क्लेम, उस पर क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि कहाँ से कहाँ तक आप दूसरे का गाना या फिर वीडियो क्लिप लिए हुए हो और ये इसका ओनर आपको दावा कर रहा है कि आप पे क्लेम है। और YouTube इतना सही है, अच्छा है कि बताता है कि यहाँ से आप इसको काट के हटा दो या फिर वॉइस है तो बोलेगा इसको म्यूट कर दो, आपका चैनल और आपका ये वीडियो सेफ रहेगा। लेकिन क्या करेंगे, कुछ लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन जिसको जानकार है, जो जानता है वो कर देता है। और जो जानकार है वो भी करेगा क्या, उसको पता है तभी तो यूज कर रहा है। वो जानता है कि हम इसको अगर नहीं लेते हैं वॉइस या फिर वीडियो क्लिप तो हमारा वीडियो आधा अधूरा रह जाएगा, इसीलिए तो लिया है, उसको पता ही है। तो दोस्तों, अगर आप एकदम मतलब ठान लिया हो चलो आएगा आएगा लेकिन मैं तो यूज़ करूँगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम आते इसके बारे में तो क्लेम आता है तो उसको हटा दो, आपका चैनल आपका वीडियो सेफ रहेगा। क्योंकि कभी भी दिक्कत हो सकती है, YouTube ये भी लिखता है उसमें कि ये वीडियो और ये चैनल कभी कभी दिक्कत में आ सकता है, इसलिए आप इसे म्यूट कर दो या फिर कट करके हटा दो, क्योंकि ये दूसरे का है, जो ओनर है ये ओनर का है। तो दोस्तों, कभी भी अगर आप दूसरे का लेते हैं तो इतना ठान लेना कि दिक्कत हो सकती है, या तो उस वीडियो को पैसा भी नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो आधा तो वो पैसा ले लेगा, और 2-4 बार ऐसा किए तो हो सकता है आपका चैनल दिक्कत में आ जाए। तो कभी भी मैं तो कहूँगा अपना ओरिजिनल बनाओ, भले ही आपको लग रहा है कि दूसरे का यूज नहीं करूँगा तो वीडियो अच्छा नहीं बनेगा, मत बने, लेकिन आप सिर्फ अपना ही लो, दूसरे का यूज ही मत करो, आपका चैनल और आपका वीडियो सेफ।